गुजरात के निलंबित डीआईजी डीजी बंजारा ने राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया है। सोहराबुद्दीन इशरत जहां और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में पिछले 6 साल से जेल में बंद बंजारा ने 10 पन्नों के इस्तीफे में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंजारा ने लिखा है, गुजरते वक्त के साथ मुझे यह एहसास हो गया है कि इस सरकार को हमें बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये सीबीआई से खुद की खाल बचाने के लिए मुझे और मेरे कई पुलिस अफसरों को जेल में कैद रखने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए सरकार खुद को तो बचाना चाहती है, साथ ही राजनीतिक फायदे उठाने की कोशिश में भी है। बंजारा यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह बांटो और राज करो की नीति पर अमल कर रहे हैं और मोदी उनके पूरे प्रभाव में है। मैं नरेंद्र मोदी को भगवान मानता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा भगवान अमित शाह के शैतानी प्रभाव में आकर मुझे बचा नहीं पाया। सरकार ने 7 साल से वो जेल में है और उसके जैसे बाकी 32 अफसर है उसके लिए कुछ नहीं किया। एक बार जो दिनेश एमएन आईपीएस ऑफिसर है राजस्थान को, उसको रेगुलर बेल मिली थी, वो भी है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल करवाई। नरेंद्र अमीन की भी बेल कैंसिल करवाई थी और बाकी अफसरों की कोई केयर नहीं की है, उसकी फैमिली की भी केयर नहीं की है, इसलिए ही हैज रिजाइन। बंजारा के खुलासे के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। बंजारा जी की जो चिट्ठी है वो साफ रूप से ये दिखाती है कि जो भी गलत कार्रवाई उन्होंने या पुलिस वालों ने की, जिसमें 8-10 एनकाउंटर हुए, इसमें कई लोग मारे गए, और जो कोर्ट ने स्थापित किया है कि ये बात जरूरी नहीं है वो कौन थे, बात ये थी कि एनकाउंटर के रूप में गलत तरीके से एक तरह से मर्डर की तरह आपने लोगों को मारा गुजरात में, उसने ये बात कही है कि जो ये भी जितनी भी ऐसी कार्रवाई उसने और बाकी पुलिस अधिकारियों ने की, इसमें गुजरात के उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अमित भाई शाह और उनके साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री जी को उसकी पूरी जानकारी थी। आपस में दो टकराएंगे तो उससे सूचनाएं निकलेंगी, तो एक दूसरे का ये पोल खोलेंगे और मीडिया को सूचना मिलेगी, जनता को सूचना मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये तो यूज एंड थ्रो वाले नेता हैं। ये तो बंजारा साहब इनके बहुत चहेते अफसर थे, सस्पेंडेड अफसर है, अंडर ट्रायल है, इसीलिए एक तरह से देखो तो ये इनका जो रेजिग्नेशन है वो कोई मायना नहीं रखता। फिर भी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई आगे करनी चाहिए वो सरकार करेगी। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर में गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह पहले ही मामले में जेल जाकर बेल पर रिहा हो चुके हैं। बंजारा के इस तरह के आरोपों से इस मामले में एक बार फिर गुजरात सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इससे राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।